नमस्कार मित्रों, मैं अनिल शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं आ चुका हूं बकरिया वाटरफॉल, जो कि वाराणसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। और आज डेट की बात करें तो आज है 8 जुलाई। चलिए चलते हैं, आपको यहां का नज़ारा दिखाते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं। ये देखिए, छोटी सी यहाँ पुलिया बनी है इस वाटर क्रॉसिंग को पार करने के लिए। मेन एक्चुअल पर्पज़ इसका पैदल नहीं, बाइक ले जाने के लिए बना है, ताकि बाइक वाला जा सके आ सके, ठीक है। और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है, ये देख रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे, मज़ा ले रहे हैं। ये देखिए, सड़क रहे हैं, देख रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे, इधर लोग अपना बाइक भी धुल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है लोगों को। और जो लोग किसी और उद्देश्य से आते हैं, यानी खाने पीने के उद्देश्य से आते हैं, वो अपना आते ही पहले उपले को सुलगा देते हैं ताकि वो जलता रहे, फिर हम नहा धो के आएंगे, अपना खाना बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखें, पानी का फ्लो अच्छा है, देख रहे हैं। दोस्तों, जो बकरिया वाटरफॉल है, करणपुर चौकी के अंतर्गत आता है और वाराणसी हनुमाना 4 लेन है, उसी हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर ये वाटरफॉल है। यहाँ देखिए, पूरा बड़ा सा जलाशय टाइप बना हुआ है। और यहाँ पर जो पानी आता है वो आपका आता है टांडा वाटरफॉल से, लेकिन समस्या इस वाटरफॉल में यह है कि बहता हुआ पानी है। तो अगर अचानक उस पहाड़ी की साइड है, यानी उधर देख रहे हैं पहाड़ आप देख रहे हैं, अचानक वहाँ बारिश होता है, यहाँ लोगों को पता नहीं है, तो पानी यहाँ अचानक बढ़ने का डर रहता है, तो ऐसे में काफ़ी ख़तरनाक ही हो जाता है। क्योंकि जब अचानक पानी बढ़ता है, इससे कई लोग बह सकते हैं और जान जा सकती है। देख रहे पानी, चलिए आगे चलते हैं, और भी दिखाते हैं आपको भी। यहाँ देखिए, बाइक धुल रहे हैं भैया, चलो गाड़ी चमकाने लगे हुए हैं। और पास में एक मंदिर भी है, दिखाता हूँ मैं आपको। बाइक सामने उधर खड़ा कर दिया मैं। यहाँ देखिए आप आगे, फिर यहाँ पर खबर पता चला कि अभी यहाँ पर लड़ाई हो गया था। तो लड़ाई किसी वजह से बताऊँ कि एक लेडीज़ सामने मंदिर के अंदर अपना कपड़ा चेंज करने लगी थी, तो गांव वाले भड़क गए कि मंदिर पूजा करने के लिए इससे आप चेंजिंग रूम बना दे रहे हैं, तो इसी विषय के लिए यहाँ पर दिक्कत हुआ था। ये लोग अपना कपड़ा किनारे खड़ा करके मतलब आराम से इन्जॉय कर रहे हैं। और अगर आप कभी यहाँ पर आए हो तो कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा मुझे। बस यही है, यहाँ कोई आने का शुल्क नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर आते लोग गंदगी उंदगी करके चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो इन्जॉय कर रहे लोग। इसके पहले मैं आया था करीब ठंडी उंडी में, तो उस टाइम पानी एक बूंद नहीं था यहाँ पर। सर, जब बारिश होगा तब मैं आऊँगा। ये देखिए कैसे इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अब मौसम बना हुआ, कभी बारिश हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। ये देखिए पानी का यहाँ पर कैसे बह रहा है पानी, देख रहे हैं लहर, देखिए पानी का यहाँ पर, देख रहे हैं आगे से पानी चलते जा रहा है। और आगे एक टीला टाइप में बना पत्थर देख रहे हैं यहाँ पर सीरीज। एक बार बारिश में लोग 8 लोग फंसे थे, तो उसी टीले पे खड़े थे तो बचे थे। यहाँ पका दिए कुकर में खाना बन रहा है, मिट्टी के बर्तन में, देख रहे हैं। ऐसे लोग यहाँ पर पार्टी वार्टी इन्जॉय करते हैं, ठीक भी है अपना। आइए चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर से नज़ारा। देखिए ये मंदिर, देख रहे हैं इसी तरह लगा दिया गया इस पर। अब यहाँ से देखिए व्यू आप इस वाटरफॉल का, ये आपको हल्का दिख रहा है ना, बारिश नहीं हो सोचे तब ये हालत है। और बारिश ताड़ा होगा तो पूरा ये भर के पूरा पानी आता है एकदम। कुछ लोग आगे भी नहा रहे हैं। देखिए बाइक जाने रास्ता है, बाइक जा रहा है यहाँ पर, इसलिए बनाया गया ये। और इधर देखिए भी लोग इंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं। देख रहे पानी इधर भी है पूरा, ये पूरा पानी का यहाँ पर
ऐसा दृश्य आ रहा है। इतना ज़्यादा लोग नहीं, इतना ज़्यादा प्राइवेट लोग हैं जैसे खाना पीना बनाना जिनको वो है। देखिए यहाँ लोग बना रहे खाना पीना ऐसे जगह पे है, बरसात में मतलब लोग ही यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं। ये रास्ता कुछ बारिश से देखिए इतना कट चुका है, रोड देख रहे हैं भर गया, रोड इतना पानी लग रहा था, ये पूरा पूरा भर के आता होगा चौचक एकदम। चलिए आगे चलते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं हाईवे से कैसे पहुँचना है। सामने दोस्तों आप हाईवे देख सकते हैं, वाराणसी हनुमाना 4 लेन, देखिए गाड़ी जा रही है। और ये देखिए जब आएंगे यहाँ से तो आपको ये रास्ता ऐसे देखिए कटा हुआ मिलेगा, ऐसे ढलान में उतर जाना है। कितने लोग गलती करके सीधे निकल जाते, सीधे नहीं जाना, पानी टंकी से आपको क्या करना है उसके पहले ही देखिए यहाँ पर ये घूम जाना है। चलिए आगे चलते हम लोग। सामने दोस्तों ये हाईवे, हाईवे देखिए ऐसे मोड़ के आप आएँगे तो आपको देखिए रास्ता ऐसे देख को मिलेगा, ये वाला को घूमना है बकरिया फॉल के लिए। ये देख रहे कितना छोटा रोड है, पहले इतना छोटा रोड होगा था आने जाने दोनों के लिए, अब देखिए तगड़ा रोड बनाया गया एकदम।